इसराइल पर हिजबुल्ला का भीषण हमला हुआ है। इसराइल के गैलिली पर दर्जनों रॉकेट से अटैक किया गया। तेज रोशनी और धमाके से दहला है गैलिली। आप देख सकते हैं कि ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी 9 भारत पर शाम को दिखा रहा है। हिजबुल्ला का बड़ा अटैक हुआ है और इस अटैक में आप साफ तौर पर देख सकते हैं रात के घोर अंधेरे में भी जोरदार धमाका हुआ। आसमान में एक चिंगारी सी नजर आई है। गैलिली का ये इलाका इजराइल का बताया जाता है, जहां दर्जनों रॉकेट से एक के बाद एक अटैक हुआ है। तो फौज की मौत के बाद पहला बड़ा हमला 48 घंटे में हिजबुल्लाह का पहला बड़ा प्रहार। जी, नसरल्लाह ने स्पीच में हमले का किया था ऐलान और अब देखिए हमले भी शुरू हो गए। 48 घंटे में हिजबुल्लाह का यह पहला बड़ा अटैक है। फौज की मौत और उसके बाद जिस तरह से यह बात कही जा रही थी कि हमले बढ़ेंगे, तो अब देखिए उसकी शुरुआत हो गई। 48 घंटे में यह पहला बड़ा हमला किया गया है हिजबुल्लाह की तरफ से। तो फौज की मौत और उसके बाद बदले की कार्रवाई भी ऐसा लगता है शुरू हो गई है। हिजबुल्लाह का सैन्य कमांडर था और अब देखिए किस तरह से बदले की कार्रवाई के तहत ये रॉकेट की बरसात की गई है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 48 घंटे के अंदर ये पहला बड़ा हमला किया गया है हिजबुल्लाह की तरफ से। और जैसा हम आपको बता भी रहे हैं कि बड़े स्तर पर, बड़े लेवल पर इसराइल पर हमले होने की आशंका बनी हुई है। हिजबुल्लाह का फ्रंट ऐसा लगता है ओपन हो गया है, लेकिन अभी बहुत सारे फ्रंट, आगे हम आपको बताएंगे कितने और फ्रंट है जहां पर से हमले की आशंका बनी हुई है इसराइल के ऊपर। ये तस्वीरें आप देखिए, फौज के मौत के 48 घंटे बाद ये पहला बड़ा हमला हुआ है। और हिजबुल्ला के रॉकेट अटैक से भड़का है इसराइल। इसराइल ने कहा है हमले के लिए लेबनान को भुगतना होगा अंजाम। इसराइल ने कहा है कि एक भी जनता को आतंकित नहीं कर सकता है हिजबुल्ला। आयरन डोम ने कई रॉकेट हमले को नाकाम कर दिया है। देखिए, इसराइल लगातार चेतावनी दे रहा है। इसराइल ने एक बार फिर से अपनी बात दोहराई और कहा है कि एक भी जनता को आतंकित नहीं कर सकता है हिजबुल्ला। यानी कि इसराइल पर जो हमले हो रहे हैं उसे लेकर के हिजबुल्ला को धमकी दी गई है। आयरन डोम ने कई रॉकेट हमले को इस बीच नाकाम भी किया है। हम बात करेंगे, सुमित हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, ये हमले शुरू हो गए, क्या माना जाए कि जिन फ्रंट्स की बात की जा रही थी कि इजराइल पर कई फ्रंट से हमले शुरू हो जाएंगे, पहला फ्रंट क्या ओपन हो गया, ऐसा मान सकते हैं क्या? देखिए, ये बात तो बिल्कुल रवि बिल्कुल तय थी कि हिजबुल्लाह की तरफ से रिस्पॉन्स आएगा ही आएगा, क्योंकि उनका एक बड़ा लीडर मारा गया, उनका एक बड़ा मिलिट्री कमांडर मारा गया है। तो निश्चित तौर पर यह बात तय थी कि हिजबुल्ला अटैक करेगा ही, और हिजबुल्ला की तरफ से अपर गैलिली या आप कह लीजिए या गोलान हाइट्स कह लीजिए, ये वो इलाके हैं जो हमेशा उसके रडार पे रहते हैं। और इसी वजह से अगर आप देखें तो कल रात को ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी गई हैं, कई बड़ी जगहों को टारगेट करने की कोशिश की गई। और अभी हिजबुल्ला की तरफ से ये भी कहा गया कि उन्होंने जो इसराइल के जो फाइटर एयरक्राफ्ट थे जो इस इलाके में लगातार मूवमेंट कर रहे थे, जो लगातार इस इलाके के अंदर सॉटिंग कर रहे थे, उनको भी टारगेट करने की कोशिश की गई। तो निश्चित तौर पर आप ये मानिए कि हिजबुल्ला अब ये पूरी कोशिश करेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा नुकसान इस समय इसराइल को पहुंचा सके। और ये ऐसे वक्त में हो रहा है कि जब अभी तक रिस्पांस ईरान की तरफ से नहीं आया, यानी जब ईरान की तरफ से रिस्पांस आएगा तो आप निश्चिंत मानिए कि हिजबुल्ला और आप यमन या हुतियों की तरफ से लगातार ये बड़े रिस्पॉन्स होने लाजमी है। ठीक है सुमित, हमारे साथ आप बने रहिएगा। देखिए, दूसरी बड़ी खबर भी आ रही है ईरान से ही, जहां इसराइल से जंग के लिए ईरान ने बड़ी तैयारी की है। लेबनान में आज बुलाई गई है प्रॉक्सी की बैठक। आज बेरूत में ईरान समर्थित प्रॉक्सी संगठनों की एक मीटिंग है। IRGC के कमांडर भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे।
और देखिए 48 घंटे में इसराइल पर हो सकता है बड़ा हमला। सबसे पहले इजरायली मिलिट्री ठिकानों को टारगेट किया जा सकता है। इराक, यमन, सीरिया समेत 8 देशों से इसराइल पर यह अटैक हो सकते हैं। ईरान समर्थित इराकी संगठनों का यह दावा है कि 8 फ्रंट ओपन हो जाएंगे और एक साथ ये हमले होंगे इसराइल के ऊपर। तो 48 घंटे के अंदर इसराइल पर बहुत बड़ा हमला होने जा रहा है। हानिया और फौज शुकर की हत्या से बौखलाए ईरान और ईरान के प्रॉक्सी इसराइल पर अब तक के सबसे बड़े हमले की तैयारी कर चुके हैं। ईरान समर्थित इराकी संगठनों और अमेरिका से आ रही रिपोर्ट में इस बात की जानकारी मिल रही है। ईरान और उसके प्रॉक्सी इसराइल पर एक साथ 8 देशों से विध्वंसक हमला करने जा रहे हैं और इससे जुड़ी और डिटेल जानने के लिए चलते हैं रवि के पास। चलिए और अब हम आपको वो 8 फ्रंट बताते हैं जहां से इसराइल पर हमला हो सकता है, ये प्रोबेबल अटैक हो सकते हैं। तो देखिए इसराइल पर 8 देशों से हमला, पहला फ्रंट कौन सा होगा? पहला देश, पहली जमीन लेबनान, जहां से हिजबुल्ला अटैक करेगा। दूसरा यमन, जहां से हूती एक और प्रॉक्सी वो अटैक करेगा। तीसरा इराक, इराक की बात करें तो यहां पर इस्लामिक रेसिस्टेंस, कताइब, हिजबुल्ला, असैब अहल अल हक मौजूद हैं। ये सारे प्रॉक्सीज हैं ईरान के, हरकत, हिजबुल्ला, अल नुजबा, ये सारे प्रॉक्सीज हैं जो इराक की लैंड से इसराइल के ऊपर अटैक कर सकते हैं। गाजा, गाजा में बात करें तो देखिए हमास तो यहां पर मौजूद है ही और हमास ने कसम भी खाई है कि हम इसका बदला लेंगे। पांचवा है फिलिस्तीन, फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद ग्रुप भी अटैक कर सकता है। छठा है सीरिया, सीरिया की जमीन से बद्र ऑर्गेनाइजेशन और जैनबिया ब्रिगेड, फातेमिया डिविजन, ये सभी हमला कर सकते हैं। बहरीन की बात करें तो यहां पर अल अश्तर ब्रिगेड, सराया अल मुख्तार, ये सारे प्रॉक्सीज हैं जो अटैक कर सकते हैं इसराइल के ऊपर। आठवां है ईरान, ईरान का बिल्कुल स्वाभाविक है, ईरान ने ऐलान भी कर दिया आईआरजीसी बड़े हमले कर सकता है। तो ये वो 8 फ्रंट हैं जहां से इसराइल पर अटैक हो सकता है। अंजलि, बिल्कुल, और ये जो खबर है वो इसराइल की चिंता बढ़ाने वाली खबर है। सुमित, अगर इस पर यकीन करें तो क्या हिजबुल्ला ने अपनी ताकत इतनी बढ़ा ली है, इतना यूनाइटेड हो चुका है हिजबुल्ला कि 8 देशों से एक साथ इसराइल पर अटैक हो सकता है? देखिए ये बात तो निश्चित तौर पर बिल्कुल आपने ठीक कही, क्योंकि ना सिर्फ ये देश बल्कि ईरान के साथ जितने प्रॉक्सी हैं वो अब शामिल होकर एक साथ अटैक करेंगे। आपको अप्रैल का महीना याद होगा जब उस समय भी जब ईरान की तरफ से 300-350 मिसाइल दागी गई थी, तो सिर्फ वो ईरान की तरफ से नहीं था, वो सीरिया में से भी फायर किया गया था, वो इराक से भी फायर किया गया था, वो हिजबुल्ला की तरफ से भी फायर किया गया था, वो हूतियों की तरफ से भी फायर किया गया था, और निश्चित तौर पर एक बार फिर से वही होगा। और ये हमेशा होता है, ईरान अकेला अटैक नहीं करता, ईरान के हमेशा प्रॉक्सी सारे के सारे एक साथ अटैक करते हैं इसराइल पर। लेकिन अब ये देखना ये होगा, क्योंकि अब ये अटैक उस समय से भी ज्यादा बड़े घातक बताया जा रहा है, क्योंकि अब हिजबुल्ला और आपका हिजबुल्ला और ईरान को या फिर हमास को सीधे तौर पर बड़ा नुकसान हुआ है ईरान की, आप कह सकते हैं कि उनकी उनकी क्रेडिबिलिटी को भी। तो बिल्कुल सुमित, अगर ये 8 फ्रंट से हमले हुए तो बड़ा सवाल यही है कि इसराइल इससे कैसे निपटेगा। निश्चित तौर पर इसराइल भी अपनी तैयारी कर रहा है इस वक्त, उसे पूरा अंदाजा है कि ये हमले होने वाले हैं। शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे बढ़े, देखिए ईरान की तैयारी को देखकर एयरलाइंस कंपनियां भी अलर्ट मोड में चली गई हैं। एयर इंडिया ने तेल अवीव की उड़ानें रद्द कर दी हैं। 8 अगस्त तक तेल अवीव जाने वाली सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। तो एयर इंडिया की तरफ से स्थितियों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है, उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। और वहीं इसराइल पर हमले का जवाब देने के लिए तैयारी हो चुकी है। नेतन्याहू ने होम फ्रंट कमांड के साथ एक मीटिंग की है। ब्रिटेन, अमेरिका के साथ जॉर्डन भी सहयोग के लिए तैयार हो चुका है। तो इसराइल भी अब अपनी ताकत को बढ़ा रहा है। कहा जा रहा है कि मीटिंग की गई है ब्रिटेन अमेरिका के साथ, अब जॉर्डन भी इसराइल की मदद करेगा। तो साफ है कि इसराइल ने भी युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है, यानी अरब में युद्ध का ज्वालामुखी कभी भी फट सकता है, जिसकी जद में महाशक्तियां भी आ सकती हैं। इसराइल की मदद करने के लिए अमेरिका युद्ध में उतर सकता है, ब्रिटेन, फ्रांस और जॉर्डन जैसे देशों का सीधा समर्थन मिल सकता है। अगर ऐसा हुआ तो यह सीधे तौर पर तीसरे विश्व युद्ध की दस्तक होगी। और अगली बड़ी खबर दोहा से मिल रही है। आज दोहा में हानिया का अंतिम संस्कार होना है। तेहरान से कतर लाया गया है हानिया का शव, तो आज दोहा में देखते हैं हानिया का अंतिम संस्कार होना है, ये जानकारी मिल रही है। कहा जा रहा है कि तेहरान से कतर हानिया का शव लाया गया है।
कुदरत का कहर है ये। बड़ी खबर है समेज गांव से, जहां हिमाचल के समेज गांव में अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, लोकल पुलिस, आईटीबीपी और होमगार्ड रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। अब तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, वहीं 49 लोग लापता बताए जा रहे हैं। आपदा में करीब 25 मकान पानी में बह गए हैं। जहां बादल फटने से तबाही मची है, वहां पर TV9 की टीम भी पहुंची और वहां से रिपोर्ट हमने तैयार की। और आपको समेज गांव की तबाही से पहले और तबाही के बाद की दो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। शिमला के समेज गांव की ये दो तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर बादल फटने से हुई तबाही से ठीक पहले की है और दूसरी तस्वीर तबाही के बाद की है। तस्वीरें बता रही हैं कि कुदरत ने इस गांव में कितनी भयावह तबाही मचाई है। एक तस्वीर जो पहले की है, सब कुछ ठीक था, और दूसरी तस्वीर तबाही के बाद क्या स्थिति यहां पर हुई है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता हरपिंदर तोहरा इस वक्त जुड़े हुए हैं। हरपिंदर, अब क्या स्थिति बताई जा रही है? देखिए, तबाही हुई है लेकिन तबाही के बाद की भी तस्वीरें पहुंच रही हैं। किस तरह के नुकसान की अभी तक पुष्टि प्रशासन की तरफ से की गई है? देखिए, अभी तक जो सबसे बड़ी बात है कि 36 लोग लापता हैं इस गांव से, तो सबसे पहले तो यही है। और दूसरी, मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि ये जो इलाका है जो आप देख रहे हैं कि पूरा अब यहाँ पर पत्थर है, बिल्कुल साफ है। यहाँ पर तकरीबन 12-13 घर थे, परसों की बात करी जाए तो परसों यहाँ पे 12-13 घर थे, लेकिन अब यहाँ पे बिल्कुल मैदानी इलाका एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि बन चुका है। पत्थर है, पानी नज़र आ रहा है और 36 लोग लापता हैं। तो अभी ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होने जा रहा है। मैं एक बार इधर तस्वीरें भी दिखाऊंगा कि इधर NDRF हो, SDRF हो, होमगार्ड के जवान हो, CISF हो, तो सभी जो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। तो अभी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाएगा, लेकिन बड़ी बात ये भी है कि रेस्क्यू ऑपरेशन करना भी बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पे पत्थर हैं, इतना मलबा अभी तक भर चुका है। 36 लोगों को कैसे निकाला जाएगा, ये भी अपने आप में एक अहम बात होगी। और तकरीबन अगर बात की जाए तो करीब 25 घर इस गाँव के ही हैं जो इस पानी के बहाव में बह चुके हैं। तो 25 घर के 36 लोग जो अभी पानी में, इन्हीं कहीं पानी में और मलबे के नीचे हुए दबे हुए हैं। और कल बिल्कुल तो 36 लोग लापता हैं और जिस तरह की तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, बेहद चुनौतीपूर्ण होगा उन लोगों का पता करना। शुक्रिया आपका इस अपडेट के। और अगली अहम खबर का रुख करेंगे। ईडी रेड को लेकर राहुल गांधी ने दावा किया है और एक सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है, उन्हें मेरा चक्रव्यूह वाला भाषण पसंद नहीं आया, मेरे खिलाफ ईडी रेड की प्लानिंग हो रही है, मुझे ईडी के सूत्रों ने जानकारी दी है, बाहें फैलाकर ईडी का इंतजार कर रहा हूं, ईडी को चाय और बिस्किट मेरी तरफ से। आधी रात को राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किया है। तो देख सकते हैं आप, ये सोशल मीडिया पोस्ट है राहुल गांधी का जिसमें उन्होंने ईडी को लेकर के दावा किया है कि बाहें फैलाकर ईडी का इंतजार कर रहा हूं क्योंकि ईडी रेड की तैयारी कर रही है मेरे आवास पर। और राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि सूत्रों से पता चला है कि अब ईडी उनके घर आएगी, चाय बिस्किट मेरी तरफ से, और मेरा चक्रव्यूह वाला भाषण पसंद नहीं आया है, इसलिए अब ईडी की कार्रवाई मुझ पर होगी। ये राहुल गांधी का सोशल मीडिया पोस्ट है जिसमें उन्होंने ईडी को लेकर ये सारी बातें लिखी है। और अब खबर वायनाड से। आज भी वायनाड में ही रुकेंगे राहुल गांधी। वायनाड में लगातार दूसरे दिन पीड़ितों से करेंगे मुलाकात, राहत कार्यों में तेजी के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। तो आज भी राहुल गांधी की यहीं पर मौजूदगी रहेगी। राहत और बचाव कार्य में कांग्रेस कार्यकर्ता भी मदद करेंगे और ये कोशिश राहुल गांधी की तरफ से। आप तस्वीरें देखिए, जब राहुल और प्रियंका वहां पहुंचे मुआयना करने के लिए, बेहद भयानक स्थिति वायनाड में हो गई इस लैंडस्लाइड के बाद से, और अभी भी बड़ी संख्या में लोग लापता हैं जिनकी तलाश की जा रही है। और वहीं वायनाड दौरे के पहले दिन राहुल गांधी हादसे की जगह पर गए, प्रियंका गांधी के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन का उन्होंने जायजा लिया। उसके बाद दोनों मुपेन के मेडिकल कॉलेज पहुंचे जहां पीड़ितों से मिले, उनके परिजनों को गले से लगाया। वायनाड रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है, सेना के साथ एनडीआरएफ की टीम भी जुटी हुई है। मौसम खराब होने में काम में बार बार रुकावट भी आती है, फिर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी हो जाता है।
और अब आपकी रसोई और बटुए से जुड़ी ये खबर है। आपको महंगे मसालों से जल्द राहत मिलेगी, कैसे ये समझिए। बाजार में मिलने वाली चीजों की कीमत के लिए कंज्यूमर मंत्रालय ने ऐप लॉन्च किया है और इस ऐप के जरिए सरकार आम लोगों से सामान की कीमतों का डेटा लेगी और स्थानीय मार्केट की कीमतों का ब्यौरा देगी। इस ऐप के जरिए अब मसालों की कीमतों की भी मॉनिटरिंग होगी, जिसमें खास तौर से धनिया, काली मिर्च, जीरा जैसे मसाले भी जोड़े गए हैं। और अब आप प्राइस मॉनिटरिंग ऐप के जरिए अपने घर के आसपास मिलने वाली जरूरी वस्तुओं की कीमत सरकार के साथ शेयर कर पाएंगे। ऐप के जरिए सरकार आम लोगों से सामान की कीमतों का डेटा लेगी और स्थानीय मार्केट की कीमत का ब्यौरा देगी। इस ऐप में 16 नई कमोडिटीज को भी जोड़ा गया है। मॉनिटरिंग की जाने वाली कमोडिटी की संख्या अब 38 हो गई है। इसमें मसाले भी शामिल है, जिसकी कीमतों को भी मॉनिटर किया जाएगा।